नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार और आज हम बात करेंगे ब्यूटी क्वीन तमन्ना की आगामी मूवी के बारे में। तमन्ना भाटिया इस वक्त सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक छाई हुई है। तो इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हुई जेलर और भोला शंकर में तमन्ना अहम किरदारों में नजर आ रही हैं। जेलर में रजनीकांत तो भोला शंकर में चिरंजीवी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही तमन्ना ओटीटी स्पेस में भी अपना जलवा दिखा रही हैं। उनकी नई सीरीज आखिरी सच का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज कर दिया गया है। तो ये जो थ्रिलर सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाएगी और आखिरी सच दिल्ली के बुराड़ी में कुछ साल पहले हुई दहलाने वाली घटना से प्रेरित लगती है, जिसमें एक ही परिवार के सभी सदस्यों ने सामूहिक खुदकुशी कर ली थी। बता दें कि इस घटना पर नेटफ्लिक्स ने हाउस ऑफ सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो देखिए, आखिरी सच में तमन्ना एक जांच अधिकारी के किरदार में आपको नजर आने वाली हैं, जो इस केस की तफ्तीश करते हुए आपको दिखेंगी। ट्रेलर से जो कहानी सामने आती है उसके मुताबिक घटनाक्रमों में काफ़ी बदलाव भी किए गए हैं। कहानी 11 नंबर है उसके इर्द गिर्द घूमती हुई आपको नजर आएंगी। 11 डेड बॉडीज़, घर में दरवाज़ों और खिड़कियों की संख्या 11, जो कहानी का सस्पेंस बढ़ा रहा है। तो शक के दायरे में कुछ लोग आते हैं। तमन्ना का किरदार उसी आखिरी सच का पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि परिवार के 11 लोग आंखों पर पट्टी बांध के और हाथ बांधकर एक साथ सुसाइड क्यों कर सकते हैं। तो ये मूवी कब रिलीज़ होगी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सीरीज़ का लेखन जो है वो सौरभ डे ने किया है, जबकि रॉबी ग्रेवाल ने इसका निर्देशन किया है और निर्विकार फिल्म के निर्माण किया है उन्होंने। और इसके साथ ही सीरीज़ 25 अगस्त से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। सीरीज़ में अभिषेक बनर्जी, शिविन नारंग और दानिश इकबाल, साथ ही निशु दीक्षित भी आपको नज़र आएंगे। इसके साथ ही कृति विज और संजीव चोपड़ा अहम भूमिकाओं में आपको दिखाई देंगे। तो तमन्ना पहली बार पुलिस अफसर के किरदार में आपको नज़र आएंगी, जिसको लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें।